इंडिया न्यूज हरियाणा, अपनी बोली अपना चैनल। तो ये कहीं ना कहीं निश्चित रूप से एक अप्रत्याशित फैसले को भी दे सकता है, अंजाम दे सकता है इसमें। मैं क्योंकि यादव वोट तीन जगह बट रहा है, तो यादव वोट का बटना और इसका ये होना निश्चित रूप से इनेलो को कहीं ना कहीं मजबूत करता है। लेकिन जिस तरह से आज की डेट में यूथ में और उसमें मोदी के प्रति भावना है, तो यूथ भी एक बहुत बड़ा सेगमेंट है इस समय गुड़गांव सीट पे जैसे, तो उसका फायदा इंद्रजीत को ज्यादा मिलता नजर आता है। तो अजय जी, कुल मिलाकर पायदान क्या बन रहा है आपके मुताबिक? सर जो है राव इंद्रजीत, और मुझे जैसा कि मेरे पूर्व साथियों ने भी बताया, मुझे इसमें पहले नंबर पे सामान्य तौर पे जो अभी स्थितियां लग रही उनमें राव इंद्रजीत ही लगते हैं, लेकिन नंबर दो पे कांटे की टक्कर देते हुए इनेलो प्रत्याशी जाकिर लगते हैं, नंबर तीन की पोजीशन पे मुझे योगेंद्र यादव लगते हैं, और नंबर चार पे मुझे कांग्रेस प्रत्याशी लगते हैं। यानी यहाँ भी जो हमारा पैनल है वो एक ही तरह की राय रखता दिखाई दे रहा है। अजय जी, हम सोनीपत पर आएंगे। सोनीपत में रमेश कौशिक बीजेपी के टिकट पर है, कांग्रेस पार्टी से जगवीर मलिक यहाँ चुनाव मैदान पे है, इनेलो से पदम दहिया है, जयसिंह ठेकेदार आम आदमी पार्टी से है, और बीएसपी से सुमन शर्मा यहाँ चुनाव मैदान में है। सोनीपत भी बड़ी दिलचस्प सीट है, जिस तरह से टिकटों का बंटवारा हुआ यहाँ काफी चर्चा में रही ये सीट बीजेपी के लिहाज से। सोनीपत में सर क्या स्थिति देख रहे हैं? देखिए राजीव, सोनीपत सीट के बारे में एक चीज सदैव से मशहूर है, ये जाटों का एक बड़ा गढ़ है। बागपत, यूपी के बागपत से जो जाटों का गढ़ माना जाता है, उसके साथ में टच होता हुआ इलाका है। और यहाँ की स्थिति यह है कि यहाँ से चौधरी देवीलाल भी सांसद रहे हैं, ओम प्रकाश चौटाला भी सांसद रहे हैं, तो ये कहीं ना कहीं जाटों को अपने आप में सुरक्षित सीट नजर आती है। जब 1980 में इंदिरा जी की लहर थी, उस वक्त में भी आप देखें देवीलाल बड़े छोटे से अंतर से हारे थे, तो ये कहीं ना कहीं है कि जाटों की है। लेकिन आपको बताएं, इस बार एक और चीज है कि बाकी सारी पार्टियां जाट लड़ा रही हैं, भारतीय जनता पार्टी ने वहां गैर जाट उतारा है। वहां पर जो भारतीय जनता पार्टी से पूर्व सांसद रहे हैं सागवान साहब, उनके बेटे ने बगावत की और कांग्रेस में शामिल हो गए हैं, तो यदि वो कांग्रेस में नहीं जाते तो वो भाजपा का बड़ा नुकसान करते। लेकिन उनके कांग्रेस में चले जाने के बाद में स्थितियां थोड़ी चेंज हुई है। एकमात्र प्रत्याशी है जो गैर जाट है, ब्राह्मण है, तो कहीं ना कहीं इन्होंने जो ध्रुवीकरण हुआ है वो गैर जाट और ब्राह्मणों का जो ध्रुवीकरण इस सीट पे हुआ है, वो कहीं ना कहीं तीन यदि बट जाता है जाट वोट, तो कहीं ना कहीं इन्हें फायदा होता नजर आता है। तो मुझे यहाँ पर कौशिक साहब जो है अच्छी स्थिति में लगते हैं, और मैं इसमें कौशिक साहब को ज्यादा बेहतर प्रत्याशी के रूप में मानता हूँ। और दूसरे नंबर पर सर, क्योंकि दूसरे नंबर पर यहाँ क्या स्थिति दिख रही है? पर लगता है अजय जी तक हमारी आवाज नहीं पहुंच रही, हम दोबारा अजय जी के पास आएंगे। अनुज जी, राजीव, देखिए हरियाणा में ये एकमात्र ये एक ऐसी लोकसभा सीट है जिस पर एक भी मंत्री नहीं है, न प्रदेश में न केंद्र में। हमने इसके पहले जो सीट डिस्कस की फरीदाबाद में, वहाँ तीन और गुड़गांव, फरीदाबाद में दो और गुड़गांव में तीन मंत्री हैं। इसलिए इस सीट की पूरी जिम्मेदारी, मैंने इसलिए तो मैं विवेचन जोड़ रहा हूँ, इस सीट की पूरी जिम्मेदारी इस समय मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने ले रखी है। और इस अंचल में जो मलिक और दहिया जो दो बड़ी खापें हैं जाटों की, तो जगवीर सिंह मलिक, चूंकि मलिक खाप बड़ी है यहाँ की, इसलिए कांग्रेस ने उनको टिकट दी हुई है सिटिंग एमपी की काट करके, या कहें कि वो लड़ना नहीं चाहते थे जैसा।
और मुख्यमंत्री जी की पत्नी है वो दहिया खाप से हैं, तो वो भी एक कार्ड यहाँ प्ले करने की कोशिश की जा रही है। और मुझे लगता है कि शायद जगबीर सिंह मलिक यहाँ मजबूत स्थिति में हो सकते हैं, और दो जाटों तीन जाटों के बीच तो एक ब्राह्मण, इसलिए बीजेपी फिर और फिर मोदी लहर दिल्ली से सटी होने के कारण भी, तो मुझे यहाँ रमेश चंद कौशिक फिलहाल दूसरे स्थान पर नजर आते हैं। यानी आपके मुताबिक जगवीर मलिक की स्थिति यहाँ मजबूत है मेरे हिसाब से, रमेश कौशिक जो बीजेपी के टिकट पर चुनाव मैदान में है वो यहाँ दूसरे नंबर पर जी है जी। और तीसरे नंबर पर सर इनेलो स्वाभाविक रूप से, क्योंकि उनके तीन विधायक भी हैं। वैसे देखिए विधायक होने से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उस पिछले लोकसभा चुनाव के तुरंत बाद ये चुनाव हुए थे और अब इन विधायकों के बारे में भी निर्णय होने वाला है। सब लोग तो ये लोकसभा का मतदान देखने, रिजल्ट देखने के बाद इन विधायकों का भविष्य अपने आप तय कर रहे होंगे। ठीक है, मनमोहन जी आपके मुताबिक सोनीपत पर क्या स्थिति बन रही है, सर रमेश कौशिक पहले नंबर पर या जगवीर मलिक? मुझे लगता है जगवीर मलिक, उसके कई कारण हैं। देखिए पहला कारण तो ये है कि जो पहले यहाँ एमपी थे जितेंद्र मलिक, जिन्होंने रिफ्यूज कर दिया दोबारा चुनाव नहीं लड़ने से, वो भी मलिक के थे, मलिक खाप के थे। और मलिक खाप के यहाँ मेरा ख्याल है कि 58 गांव हैं, तो वो इन ब्लॉक जो हैं वो वोट इसको मिलेंगे। ठीक है, अच्छा दूसरी बात ये है कि इस एरिया में जो देशवाल जाट हैं वो मुख्यमंत्री भूपिंदर सिंह हुड्डा के काफ़ी मतलब उसको वो देते हैं, अपना मानते हैं, काफ़ी वेटेज है उनका। हाँ। और इसलिए मुख्यमंत्री बार बार कहते भी हैं कि यहाँ से जिता दो तो बाकी प्रदेश हम जीत लेंगे। अच्छा तीसरी बात जी की है, जो मुख्यमंत्री जी की श्रीमती है आशा, आशा इसी जगह की रहने वाली है खानपुर की, तो इसलिए उनका जो मेका है उसका भी प्रभाव पड़ेगा। इस स्थिति में जो जगवीर की पोजीशन ज्यादा स्ट्रांग है, और जो रमेश कौशिक की प्रॉब्लम ये है कि इसने पिछले बार चार बार पार्टी बदली है, तो इसलिए थोड़ा सा जो इमेज है वो डाउन है। और थोड़ा झगड़े भी थे यहाँ से, और आदमी बीजेपी से कैंडिडेट थे उनको मिला नहीं टिकट जो वहाँ लोकल थे, तो इसलिए वहाँ प्रॉब्लम है। और जो प्रदर्शन प्रदर्शन भी हुए सब कुछ हुआ, तो ये मुझे ये लगता है कि फर्स्ट नंबर पर जगवीर मलिक है, सेकेंड नंबर पर इन लोग होगा, थर्ड नंबर पर रमेश कौशिक होगा। यानी आपके मुताबिक रमेश कौशिक तीसरे नंबर पर जा रहे हैं, तीसरे नंबर। यानी सोनीपत में मोदी की लहर कोई काम नहीं कर रही है सर आपके मुताबिक? देखिए मोदी की लहर जो है वो कन्फाइन, देखिए जाट जो है वो जाटों में उनका हिसाब किताब अलग होता है, वो एक पंचायत होती है उसमें वो डिसीजन कर लेते हैं, उसके मुताबिक उसको इम्प्लीमेंट करते हैं। ठीक, जो मोदी का प्रभाव पड़ सकता है वो पड़ सकता है जो पंजाबी वोटर है वहाँ या नॉन जाट वोट है, वो कितने जाते हैं रमेश कौशिक के साथ ये देखने की बात है। क्योंकि एक और भी वहाँ कैंडिडेट हैं ये बीएसपी की, सुमन शर्मा सर, सुमन शर्मा, तो वो भी इनको नुकसान पहुंचा सकती है, ब्राह्मण वोट डिवाइड हो सकती है। यानी इस आंकड़े के हिसाब से आप कह रहे हैं कि रमेश कौशिक तीसरे नंबर पर है, यानी यहाँ पहले नंबर पर आप जगवीर मलिक कांग्रेस पार्टी को रख रहे हैं, दूसरे नंबर पर आप पदम दहिया को रख रहे हैं जो इंडियन नेशनल लोकदल की टिकट पर चुनाव मैदान में है, और तीसरे नंबर पर आप यहाँ रमेश कौशिक को रख रहे हैं। जी जी, क्योंकि पिछली बार भी जो चुनाव हुए थे उसमें सेकंड नंबर पर इन लोग डाले थे। ठीक है, हम अगले लोकसभा क्षेत्र की तरफ चलेंगे, अंबाला पर अब हम चर्चा करेंगे। अंबाला में जो तस्वीर बन रही है वो कुछ इस तरह से है, रतनलाल कटारिया या बीजेपी की टिकट पर चुनाव मैदान में है, राजकुमार भालबी की यहाँ कांग्रेस की टिकट पर चुनाव मैदान में है, इनेलो ने यहाँ से कुसुम शेरवाल को मैदान में उतारा है, आम आदमी पार्टी ने एसपी सिंह को मौका दिया है, और बीएसपी ने यहाँ डॉक्टर कपूर सिंह को मैदान में उतारा है। अजय जी, अंबाला में क्या कुछ कांटे की स्थिति दिखाई दे रही है या फिर वहां मामला एक तरफा ही है? देखिए राजीव जी, मैं तो यदि कहूँ सही अर्थों में कि अंबाला में कोई लड़ाई है ही नहीं। अंबाला में तो मुझे 100% लगता है ये सीट कटारिया निकाल रहे हैं और ये सीट भाजपा के हाथ जा रही है। उसकी बहुत सारी वजह है। यहाँ पर अभी पिछले इलेक्शन में यदि आप देखिए सिर्फ 14,000 वोटों से जीती थी जी।
तो कमोबेश स्थिति ये है, इसमें पिछली वाली हारने की स्थिति में थी। डर के कारण शैलजा छोड़कर राज्यसभा के लिए उन्होंने पूरी लॉबिंग करी, और जो उन्होंने लॉबिंग की पहली बार उन्होंने मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा के साथ में हाथ मिलाया था कि मुझे किसी तरह राज्यसभा पहुंचा दो जी। आप ये सोचिए, यही वो सीट है जहां पर दो विरोधी मिलकर के और कि हाँ शैलजा को राज्यसभा पहुंचाया गया, जिसको कांग्रेस ने टिकट वहां से दिया है राजकुमार वाल्मीकि को, उनकी स्थिति ये है कि उनकी पत्नी अब पिछले साल मई में हुए इलेक्शन में जो नगर निगम का इलेक्शन हुआ था उसमें नगर निगम की पार्षद का चुनाव लड़ी थी और चौथे नंबर पर रही थी। मतलब कमो जो अपनी पत्नी को इसी संसदीय क्षेत्र के एक वार्ड से इलेक्शन नहीं जितवा सकता वो उनका लोकसभा प्रत्याशी है। नंबर दूसरा ये है कि चूंकि रतन लाल कटारिया यहाँ पहले भी सांसद रह चुके हैं और उनका एक अपना एक काडर भी है इस पूरे इलाके में, उनकी अच्छी चूंकि अंबाला शहर हो गया या अंबाला कैंट हो गया, पंचकुला हो गया, ये इस तरह से कुछ यमुनानगर का क्षेत्र हो गया, इधर ये पंजाबी बेल्ट है और काफी कुछ प्रभावित करती है जो कि कहीं ना कहीं नांजाट को प्रभावित करती है। हजका के लिए भी ये बहुत महत्वपूर्ण इलाका रहा है, भजन लाल की कर्मभूमि के रूप में भी देखा जाता रहा है, उनके बेटे भी यहाँ सक्रिय रहे हैं, विधायक भी रहे हैं, तो ये कहीं ना कहीं कुल मिला के ये कम्बिनेशन यहाँ पे सीधे सीधे सपाट नजर आता है। मुझे इसमें कहीं कोई संशय नहीं है और यहाँ पे मुझे हर तरीके से रतन लाल कटारिया ही साफ साफ नजर आते। थर्ड एक और चीज है जो गेन करती रही कि आप ये देखिए विनोद शर्मा यहाँ से अम्बाला शहर से विधायक है, उनका इस पूरे संसदीय क्षेत्र में एक बड़ा प्रभाव है और इस बार उन्होंने अपने तमाम सारी सभाओं में, अंबाला में अभी हाल ही में हुई सभा में उन्होंने साफ कहा था मैं चाहे किसी दल में हूं या न हूं मोदी को पीएम बनाना है और उनको पीएम बनाने वाले हर व्यक्ति को मेरा समर्थन है। तो कहीं ना कहीं उसका फायदा भी उनको मिलता नजर आ रहा है, तो इस तरह से मुझे इसमें यह तस्वीर नजर आती है। ठीक है सर, ठीक है, यानी यहाँ आप जो बता रहे हैं उसके मुताबिक एक तरफा मुकाबला है, रतनलाल कटारिया जो बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं वो यहाँ नंबर एक पर हैं। नंबर दो की लड़ाई में सर कौन है? नंबर दो की लड़ाई में आप यहाँ कांग्रेस पार्टी को देख रहे हैं या इंडियन नेशनल लोकदल को देख रहे हैं? मुझे इंडिया न्यूज़ हरियाणा, अपनी बोली अपना चैनल।